दोस्तों, आप सभी के एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हो सकता है कि हमारा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ ऐसा गलती कर दिया अपने चैनल पे, जो कि आप देखने के बाद आप भी इस तरीके अगर गलती करते हो तो दोस्तों आपका भी चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं उस गलती के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि हो सके अपने फ्यूचर में अगर आप भी एक छोटे क्रिएटर हैं हमारे जैसे, अगर आप भी एक वीडियो क्रिएट करते हैं और आपका चैनल जस्ट मोनेटाइज होने वाला है, और मोनेटाइज होने के बाद उससे पहले आप इस गलती को कर देते हैं तो आपका चैनल भी डीमोनेटाइज हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पर हम YT स्टूडियो को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर पहले आज से 20 दिन पहले मेरे चैनल पर एक वीडियो पर 70,000 व्यूज गया था, और उस वीडियो से मेरा जो चैनल का वॉच टाइम था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैंने इस चैनल पर गलती क्या किया था, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा चैनल है, तो इससे पहले मेरे आज से 20 दिन पहले मेरे चैनल पर 4,000 वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन दोस्तों, मैंने गलती क्या किया था कि जितने भी हमारा वीडियो था उस वीडियो को हम डिलीट कर दे रहे थे। कुछ वीडियो पर व्यूज नहीं आता था तो उस वीडियो को हम डिलीट कर देते थे, और ऐसे मैं अपने चैनल पर कम से कम 400 से भी ज़्यादा वीडियोस को अपलोड किया था। बट दोस्तों, उन सारी वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उस वीडियो पर या तो 100 उस वीडियो पर 50 व्यूज़ थे या तो 30 व्यूज़ थे, और मैं उस वीडियो को अपने मन से इस चैनल पर जाकर मैं सारी वीडियो को डिलीट कर दिया। अब दोस्तों, डिलीट करने के बाद मैंने सोचा कि यूट्यूब की तरफ से जो मैं वीडियो को डिलीट किया हूँ अपने चैनल पर से, वो सब वीडियो पर जो भी वॉच टाइम आया है, जो भी व्यूज आया है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं कम होगा। तो मैंने दोस्तों क्या कहा कि मैंने 200 से 300 वीडियो को मैं कंटिन्यूस एक दिन ऐसा किया कि मैंने डिलीट कर दिया। आज से ये 2-3 महीना पहले की बात है, और मैंने वीडियोस को डिलीट कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसे इस वीडियो को डिलीट किया तो डिलीट करने के बाद मेरे जो व्यूज थे, और व्यूज भी मेरा यहाँ पे जो काउंट हो रहा था वो कुछ टाइम के लिए काउंट दिख रहा था, और मेरा जो व्यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है वो व्यूज यहाँ पे यूट्यूब ने हटा दिया। अब हटाया तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मेरे यूट्यूब ने व्यूज को हटा दिया, तो मैंने कुछ टाइम के लिए क्या किया कि अपने एक मेरा चैनल था तो उस पर मेरा जो ये मेरा चैनल है उस पर मैंने 4,000 वॉच टाइम को भी पूरा कर लिया था इस वीडियो की मदद से। तो सारे वीडियो को मैंने इसी के दौरान मैंने डिलीट कर दिया था, और डिलीट करने के बाद कुछ इस तरीके का से यहाँ पे सोचा कि मैंने इस वीडियो के ऊपर मैं और कंटेंट बनाऊंगा और मैं कंटिन्यूस यहाँ पर मेहनत करूँगा। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेहनत करना स्टार्ट किया, और मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पर जैसी यहाँ पर देखा कि मैं तो कुछ टाइम पहले इस पर अप्लाई कर दिया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन होता है यहाँ पे, जो कि मैंने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है। अब दोस्तों, इसमें मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि मेरा गलती इसमें इस अप्लाई की वजह से मेरे चैनल पर जो वॉच टाइम था वो कम हो चुका है, या दोस्तों मैं उस वीडियो को डिलीट किया हूँ उसकी वजह से मेरे टाइम वॉच टाइम कम हो गया है। तो आप सभी को, अगर आपको पता है कि अगर आपके साथ भी इस तरीके का प्रॉब्लम हुआ है और आप भी इस तरीके का प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप दोस्तों मत करना, क्योंकि मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता, मैंने इस गलती को कर दिया अपने चैनल पर। अगर दोस्तों आप बड़े क्रिएटर हैं, आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो में मुझे कमेंट में बताएं जरूर कि मेरा क्या गलती है, और जिससे मैं अपने चैनल पर कुछ सुधार कर सकता हूँ और मैं अपने चैनल को फिर से मोनेटाइज कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब मेरे चैनल पर 4,000 वॉच टाइम भी नहीं पूरा था, तब मैं इस गलती को यहाँ पे कर चुका है, जो कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया हूँ। तो अगर आपके इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, इसके बारे में पता है, तो आप मुझे ज़रूर रिप्लाई दें कि मेरा क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, क्या मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज होगा या नहीं। तो दोस्तों, अभी मैं कंटिन्यूस अपने चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ, और फिर से मैं 4,000 वॉच टाइम पूरे करने का वेट कर रहा हूँ, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना, तब तक नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।